एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, गैस भी कैसा लिया हूँ आइडियल, लेकिन प्रोसेस को देखो, इसमें एक और शब्द जोड़ सकता हूँ कि आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। देखो एक तो हो गया गैस तो कैसा है आइडियल, ये गैस कैसा है भाई आइडियल, लेकिन हम जो मिक्सिंग का प्रोसेस को भी आइडियल लेना चाह रहे हैं, तो ये जो आइडियल मिक्सिंग होता है ना उसको कैसे समझाया जा सकता है उसको देखें। आइडियल मिक्सिंग को समझाना है तो आइडियल मिक्सिंग को समझाने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, समझ लो कुछ लिमिटेशंस जिसको फॉलो करना जरूरी है। अगर हम दो गैस को मिला रहे हैं और मिक्सिंग को हम आइडियल समझ रहे हैं, मिक्सिंग आइडियल समझ रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो ज़रा देखिए कि अगर ये क्राइटेरिया फॉलो होता है तो गैस का मिक्सिंग आइडियल होगा, नहीं तो आइडियल नहीं होगा। जैसे जैसे मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में एक्सेस या कंप्रेशन एक्सपेंशन कुछ नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम मिक्सिंग के पहले मिक्सिंग के बाद जो चेंज है वो जीरो होना चाहिए। दूसरा जो है क्राइटेरिया इसका डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज भी नहीं होना चाहिए, क्यों, एंथैल्पी चेंज मतलब एनर्जी का अब्जॉर्प्शन या फिर इमिशन, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाता है, तो इसलिए वो भी नहीं होना चाहिए, केवल और केवल मिलना चाहिए। हाँ लेकिन ये प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है भाई, इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली मिलना है इसको। तो ये कुछ कंडीशन है जिसको हम बात कर रहे हैं। वॉल्यूम नहीं जीरो है इसका मतलब वॉल्यूम चेंज जीरो है मतलब कोई वर्क डन नहीं होना चाहिए, हीट चेंज जीरो है मतलब कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और डेल्टा मिक्सिंग डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, और डेल्टा जी मिक्सिंग जीरो है मतलब फ्री एनर्जी घटना है, नेगेटिव है मतलब फ्री एनर्जी घटना चाहिए। ये कंडीशन है मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस का आइडियल प्रोसेस में। तो अब देखो एंट्रोपी की बात करते हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग, मैं डेरिवेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, डेल्टा एस मिक्सिंग के लिए सीधा फॉर्मूला पे जा रहा हूँ, ध्यान देना माइनस साइन पहले, माइनस साइन लकी देना, और यहाँ रख रहा हूँ आर, ठीक है आर, और समेशन में है, समेशन में याद रखिएगा कि एन आई एल एन एक्स आई, ये होता है डेल्टा एस मिक्सिंग का एक जनरल फॉर्मूला, ये एल एन के फॉर्म में है। अगर आप न्यूमेरिकल के लिए चाह रहे हैं तो माइनस 2.303 चढ़ा देंगे और आर कर देंगे और समेशन रख देंगे एन आई एल एन एक्स आई, ऐसा, तो इससे एल एन नहीं अब लॉग हो जाएगा, लॉग एक्स आई हो जाएगा, तो इससे भी प्रॉब्लम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला समस्या दूर हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर करना क्या है, फिर करना ये है कि यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल, n को हम बोलते हैं क्या नंबर ऑफ मोल, है ना, ये मोल है, और एक्स आई क्या है, x क्या है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन समझते हैं ना भाई, मोल फ्रैक्शन मतलब एक का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, जिसका भी निकालना है, और ऐसा समेशन करना मतलब जितने भाग मिलेंगे उतनी बार इसको रिपीट करना है, जितने बार मिलेंगे उतनी बार रिपीट करना है, जैसे दो गैस मिला रहे हो तो ये दो भाग दो बार आएगा, एन वन लॉग एक्स वन एन टू लॉग एक्स टू प्लस प्लस करके, तो ये सब हमको उतनी बार रिपीट करना है जितनी बार ये आएगा, ठीक है फिर बात। तो ये हमने डेल्टा एस मिक्सिंग के बारे में बात कर लिया है, अब डेल्टा एस मिक्सिंग का फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी हम इसके बारे में कुछ जान पाएंगे, तो पहले इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, ये रिजिड फॉर्मूला है, इसमें कोई अननोन चीज नहीं है, आर का वैल्यू आप जिसमें रखना चाहते हो, अगर आपको एंट्रोपी जूल में चाहिए तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि साइन माइनस क्यों, हम तो पॉजिटिव लिखे हैं, तो भाई यहाँ जो लॉग ले रहे हो ना उसका साइन भी नेगेटिव ही आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है वो, इसलिए यहाँ टेंशन नहीं है। जूल करेंगे तो ये, कैलोरी करेंगे तो 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, यही दो कॉमन यूनिट यूज होता है ज़्यादातर, बाकी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है भाई। तो आप लोग पहले इस सेंटेंस को नोट करें, सेंटेंस को पूरा, ये जो मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, उन सबको, फिर एक आध क्वेश्चन करके अपन देखते हैं। देखिए फाइंड द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग व्हेन, ये मिक्स्ड या व्हेन ऑफ दिस आर मिक्स्ड, देखो दो क्वेश्चन दिया है, गैसेस सेम है, बस मोल को यहाँ पर अनइक्वल रखा हूँ, वहाँ इक्वल रखा हूँ, कुछ इससे कुछ लॉजिक निकालना भी है, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जरा देखें क्या करें, हम इसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, टोटल मोल कितना हो जाएगा, चार और दो छः,
तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे 2/6, इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 4/6, आप कर सकते हो 2/3 और यहाँ कर सकते हो 1/3 डिवाइड करके, तो ये इसका मोल फ्रैक्शन है। चलिए तो फॉर्मूला रखें, फॉर्मूला रखेंगे डेल्टा एस मिक्सिंग, अगर आप पूरा वैल्यू निकालोगे तो 2.303 आर ब्रैकेट में एन वन लॉग एक्स वन प्लस एन टू लॉग एक्स टू, ये लो ऐसा बनेगा फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करना है, है ना, आप जूल निकाल या तो आर के फॉर्मेट में निकालना तो आर के फॉर्मेट निकाल लो, मैं आर को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ सपोज, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, -2.303 आर ब्रैकेट में देखो भाई क्या हो सकता है, इसको सामने माइनस ले जाओगे तो कम, या माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस अंदर ले जाओगे तो माइनस लॉग टू लॉग 1/3 माइनस 4 लॉग 2/3 हो जाएगा। फिर आप क्या कर लो, -2.303 आर इस माइनस साइन को प्लस कर लो और 2 लॉग ऊपर, इसको ऊपर ले जाओ 3 हो जाएगा, इसको प्लस कर लो 4 लॉग, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, तो फिर भी प्लस ही रखते हैं, 3/2 कर लेंगे, उल्टा हो जाएगा। अब उसके बाद देखो इसको सॉल्व करने की बारी है, 2.303 आर रखोगे, 2 रखोगे, लॉग 3 का वैल्यू रखोगे, लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.4771, प्लस 4 रखोगे और लॉग 4 का वैल्यू, 3 का वैल्यू होता है 0.4771 और बटा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301। इतने को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आर के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, आर के फॉर्मेट में, आर को अगर सॉल्व नहीं करोगे तो, और आर को अगर सॉल्व कर दिए, सपोज आर को हमने जूल में रख दिया, चलो 8.314 रख देता हूँ, 8.314 आर के वैल्यू, तो पूरा जो सॉल्यूशन है ना, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस में 32.251 जूल पर केल्विन ऐसा होगा, जूल पर केल्विन बोलेंगे इसको, जूल पर केल्विन हो जाएगा 32.251। ये इधर का सॉल्यूशन, ये बीच का हिस्सा आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा पुट कर दिया हूँ, आपको बस माइनस प्लस गुणा भाग करना है, आर का वैल्यू भी जूल में रख दिया हूँ तो इसलिए मैंने जूल में आंसर किया है। इधर का क्लियर हो गया होगा, राइट की ओर चलते हैं। देखें टोटल मोल अभी भी कितना है 6, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना 3/6 मतलब 1/2, यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना 3/6 मतलब 1/2। अब क्या करें, डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग में रखना हो तो -2.303 आर और यहाँ देखो 3 लॉग 1/2, फिर यहाँ देखो 3 लॉग 1/2 है ना, तो मुझे कैसे लग रहा है कि लॉग 1/2 कॉमन कर दूँ, 3 3 6 हो जाएगा, -2.303 और यहाँ देखो 3 + 3 6 और कॉमन क्या निकाल लिया, लॉग 1/2। यह एक काम कर लेते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर देखा देखो अंदर ले जाऊंगा तो, अंदर ले जाऊंगा तो ऐसे दिखेगा, -3 log 1/2 ठीक है, तो इसको प्लस करने के लिए -2.303 अब 3 log 2 प्लस 3 log 2 करेंगे, ठीक है, अब लॉग 2 को कॉमन निकाल दो, ये माइनस से प्लस हो चुका है भाई, है ना, माइनस को अंदर ले गए हैं अपन, तो माइनस से प्लस हो गया है, ये माइनस रहेगा, इस माइनस को यहाँ पर अंदर ले गए हैं देखो, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 2.303 फिर क्या, लॉग 2 को कॉमन निकाल दो, 3 + 3 6 और लॉग 2 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 6 है ना, आर कहीं पर छूट गया, यहाँ आर डालते जाओ, आर है ना, मल्टीप्लाई में आर है, तो 6 2.303 इंटू लॉग टू का वैल्यू भी आपको पता है 0.301 और आर का वैल्यू 8.314। इतने को आपको रखना है, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ आंसर का, आंसर इसमें आता है 34.579 जूल पर केल्विन, 34.5 से यहाँ 32 है, इन दोनों में से अगर कंपेरेटिव बोलूँ तो ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये बात की बात है, लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों तरफ समझ में आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अब इसको सॉल्व कर लोगे भाई, देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को तो थोड़ा रिवर्स करके देखना, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी है, नंबर देता है, कहने का मतलब हमसे ये नंबर छीनता नहीं, हमको नंबर पूरा पकड़ में लाता है, तो क्योंकि बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है, हाँ थोड़ा सा लॉग वैल्यू तो जानना आपको जरूरी है, ठीक है भाई, तो लॉग 2 लॉग 3 इन सब का वैल्यू याद कर लिया करो, जिससे आसान हो जाता है हमारा काम, ठीक भाई।